तो दोस्तों लीजिए, पेश है आप सबके लिए आप लोगों की डिमांड पे 2 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम की साइजिंग, डिजाइनिंग, कंपोनेंट सिलेक्शन और हाँ अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था और जैसा आप लोगों ने वोटिंग भी की थी कि भाई हमें एक 2 किलोवाट का सिस्टम का साइजिंग डिजाइनिंग चाहिए, तो ये वीडियो खास उसी के लिए डेडिकेटेड है। और हाँ, जिन लोगों को बड़े सिस्टम्स की साइजिंग डिजाइनिंग या फिर कंपोनेंट सिलेक्शन, मतलब कि आपका 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट या 100 किलोवाट के सिस्टम की इनमें कैसे साइजिंग डिजाइनिंग होती है या कंपोनेंट सिलेक्शन होता है, वायर साइज कैसे होगा, LA अर्थिंग स्ट्रिंग कैसे बनाए जाएंगे, इन्वर्टर्स का सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब के बारे में जानना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर सोल्यूशन है और आप सब उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वो फैसिलिटी क्या है या सोल्यूशन क्या है वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। बट पहले ये 2 किलोवाट के सिस्टम की साइजिंग, डिजाइनिंग और कंपोनेंट सिलेक्शन समझ लेते हैं। फिलहाल जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भले ही कोई भी सिस्टम हो, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, तो उसमें ये कंपोनेंट्स, या कह दें कि भाई SLD अगर समझाऊं तो वो कुछ ऐसा ही रहेगा। पहले तो आएगा आपका एक स्ट्रिंग, यानी कि कुछ मॉड्यूल्स जो वहां पे लगे होंगे, वहां से एक स्ट्रिंग आएगा और वहां से जो स्ट्रिंग से जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो जाएगा पहले आपका DC/DB बॉक्स में, फिर उसके बाद आपका आएगा इन्वर्टर, फिर वहां से AC/DB बॉक्स में, फिर आपका जनरेशन मीटर, वहां से फिर आपका LT पैनल यानी कि आपके लोड पे जाएगा और फिर आखिर में आपका नेट मीटर या बाई डायरेक्शनल मीटर आएगा, जिससे कि वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होगा या कह दें सिंक्रोनाइज होगा। तो अगर हम मोटा मोटी समझें एक ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में, तो ये मेजर कंपोनेंट्स होंगे और इन सब कंपोनेंट्स की साइजिंग डिजाइनिंग ही एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि इन सिस्टम की परफॉर्मेंस या क्या परफॉर्मेंस देगा या कितना आउटपुट देगा डिपेंड करता है कि आपने इन सिस्टम्स का कैसे या इन कंपोनेंट्स का कैसे सिलेक्शन किया है, साइजिंग कैसे की है, डिजाइनिंग की है, वायर साइज क्या लगाया है, कैसा ACDB बॉक्स है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये सब पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या फिर आपके सिस्टम की लाइफ कितनी होगी। और इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई आपको सिस्टम की साइजिंग डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होती है। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये 2 किलोवाट के सिस्टम साइजिंग और डिजाइनिंग समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी हम ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम की साइजिंग डिजाइनिंग करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या कह दें कि भाई उस सिस्टम का दिमाग यानी कि इन्वर्टर का सेलेक्शन सबसे पहले किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही वो कंपोनेंट है इस पूरे सिस्टम में जो बेसिकली DC को AC कर रहा है और ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज भी कर रहा है, और इसीलिए इस सिस्टम को इसका दिमाग भी कहा जाता है और सबसे पहले इसी का सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि भाई हर इन्वर्टर का एक टेक्निकल डेटा शीट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डेटा शीट है जहाँ पे आपको AC के पैरामीटर्स, DC के पैरामीटर्स, मैन्युफैक्चरर के डिटेल्स और उसके सर्टिफिकेशन का ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस टेक्निकल डेटा शीट में होता है। और यहीं पे आपको जो इन्वर्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी टेक्निकल डेटा शीट या उसके टेक्निकल पैरामीटर्स को देखना होता है। अब फिलहाल चूंकि हम 2 किलोवाट का सिस्टम की साइजिंग डिजाइनिंग करेंगे, तो हम 2 किलोवाट के इन्वर्टर के टेक्निकल डेटा शीट देखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ टेक्निकल डेटा शीट में देख सकते हैं, इस इन्वर्टर का जो सिस्टम वोल्टेज है वो 70 to 500 volts है, और वहीं अगर हम उसके MPPT रेंज को देखते हैं तो वो है 50 to 500 volts। तो यहाँ पे जो सिस्टम की डिजाइनिंग करनी है या जो हमको स्ट्रिंग का डिजाइन करना है, वो हमें MPPT के रेंज को ध्यान में रख के करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 50 to 500 volts, तो जो भी हम स्ट्रिंग की डिजाइनिंग करेंगे वो इसमें कंपैटिबल होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए कि भाई ये है आपका MPPT रेंज, तो आपको जो भी डिज़ाइन करना होगा वो उसके अंदर फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि वो उसके अंदर फिट ही ना हो, या फिर कह दें कि भाई ये एक विंडो है MPPT की रेंज का और आपको जो भी स्ट्रिंग का डिज़ाइन करना है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग डिजाइनिंग भी मैं आपको बताऊंगा जब मॉड्यूल पे पहुंचेंगे, बट पहले हम ये इन्वर्टर के बारे में और भी जान लेते हैं। फिलहाल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये EVO का इन्वर्टर है और यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट होती है वो डोमेस्टिक सेक्टर के लिए 1 से लेकर 10 किलोवाट तक का, और उसके ऊपर जो भी CNI या इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट अप टू 250 किलोवाट के इन्वर्टर्स उनके पास अवेलेबल है। इनफैक्ट EVO के पास आपको हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी मिल जाएंगे। फिलहाल ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भाई आप कोई भी इन्वर्टर लें, उसमें कुछ में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ में कुछ में आपको DC स्विच भी मिलेगा। और इन इन्वर्टर्स का जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 5 ईयर्स की होती है, जो कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स 7 ईयर्स की भी देते हैं और EVO वाले 10 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी देते हैं, और EVO वालों का दावा है कि वो 72 आवर्स में इन सिस्टम्स का सपोर्ट भी दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई ये जो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या 5 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो सब
सिंगल फेज में मिलेंगे। और यहाँ पे जो 5 किलोवाट का जो रेंज है या 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर होगा वो सिंगल फेज में भी मिलता है और 3 फेज में भी मिलता है, लेकिन 1 to 4 तक जो इन्वर्टर्स हैं जनरली वो सिंगल फेज में भी मिलता है। और अब भले ही आपके घर में 3 फेज का कनेक्शन हो तब भी आप ये सिंगल फेज के इन्वर्टर्स लगा के अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। मतलब कि इसका सीधा सीधा कहना ये भी है कि भाई कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे घर में 3 फेज का कनेक्शन है तो क्या मैं ये वाले इन्वर्टर्स लगा सकता हूँ, तो उसका आंसर है यस, आपके घर में 3 फेज का कनेक्शन है तब भी आप ये सिंगल फेज का इन्वर्टर लगा के अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। ये आपको आपकी डिस्कॉम की वेबसाइट के ऊपर भी बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसका एक और एंगल आपको समझा देता हूँ कि भाई जो मिनिमम सिस्टम विथ नेट मीटरिंग अगर आप ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहाँ पे जो कैपेसिटी है दैट इज़ 1 किलोवाट, तो आपको जो भी सिस्टम लगाना है वो 1 किलोवाट के ऊपर ही होना चाहिए जिसको आपको नेट मीटरिंग मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर्स भी आते हैं बट वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है एंड इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी, लेकिन उस चीज़ को इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, अगर आप डिमांड करोगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि भाई माइक्रो इन्वर्टर्स, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये जो छोटे वाले इन्वर्टर्स यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इसमें जनरली आप देखेंगे या जनरली पाएंगे तो वहाँ पे जो MPPT होगा वो एक ही होता है। और अगर आप डिमांड करेंगे या आपकी स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अपने मैन्युफैक्चरर या जो इन्वर्टर प्रोवाइडर हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं, शायद उनके पास और भी वेरिएंट्स हों, लेकिन जितने MPPT होंगे उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग भी होगी यानी कि बढ़ेगी। और वहीं आप इन इन्वर्टर्स का जो मॉनिटरिंग है यानी कि ये इन्वर्टर्स या पूरा ऑल टुगेदर सिस्टम कैसा फंक्शन कर रहा है, कितना जनरेट कर रहा है, वो आप अपने सिस्टम पे बैठे बैठे भी देख सकते हैं यानी कि मोबाइल पे भी बैठे बैठे देख सकते हैं। बस उसके लिए आपको ये वाईफाई वाला डोंगल लगाना होता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वाईफाई का डोंगल होता है, ये आप ये सिस्टम के साथ लगा के अपने इस पूरे सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। हाँ, वाईफाई के साथ आप इसमें एक डेटा केबल लगा के भी इस सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। फिलहाल फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आगे आने वाले दिनों में रोज़ कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स होते हैं और उसी हिसाब से आप देखिए जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे या जैसी टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग भी होगी। तो फिलहाल मोटा मोटी चूंकि हम अभी सिस्टम की साइजिंग और डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिस्टम की वोल्टेज और MPPT का रेंज ये दोनों देखना होता है। फिलहाल हमें जो स्ट्रिंग की डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हमें MPPT का रेंज देखना होता है जो कि हमें टेक्निकल डेटा शीट में लिखा हुआ है 50 से लेकर 500 वोल्ट तक के अंदर इसका स्ट्रिंग डिज़ाइन करना है। तो ये फिगर्स आप याद रखिएगा 50 to 500 वोल्ट्स, क्या है कि इसका कनेक्शन हमें स्ट्रिंग यानी कि मॉड्यूल्स के साथ भी करना होता है। और हाँ, यहाँ पे कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई क्या हम अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर को अपग्रेड नहीं कर सकते, तो दोस्तों उसका आंसर है नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्या है कि ये स्पेशली डिज़ाइन इन्वर्टर्स होते हैं, इसमें एंटी आइलैंडिंग होती है, तो आपके जो एग्जिस्टिंग जो नॉर्मल इन्वर्टर्स घर में लगे हुए हैं उसको आप अपग्रेड करके ग्रिड कनेक्ट रूफटॉप सिस्टम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड इन्वर्टर्स हैं और आज की डेट में ये हाइब्रिड में भी आ रहे हैं, मतलब कि आप इसे बैटरी के साथ भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और DG के साथ भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और एक और खास बात यह है कि भाई ये जो EVO के इन्वर्टर्स हैं इसमें 0 एक्सपोर्ट का फीचर भी है, मतलब कि आप अगर ग्रिड के साथ नहीं सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो आप ये इसमें 0 एक्सपोर्ट का फीचर एनेबल भी कर सकते हैं। और वहीं रही इन इन्वर्टर्स की कीमत की बात, तो 1-2 किलोवाट का इन्वर्टर विथ एक नॉर्मल फीचर से लेकर जितना हाई एंड में जाएंगे तो उतना कॉस्ट बढ़ेगा ही, बट ऑन एन एवरेज एक ये इन्वर्टर आपको 15 से लेकर 20 हज़ार से 22 हज़ार के बीच के अंदर मिल जाना चाहिए। क्या है कि भाई आप भी जानते हैं कि भाई जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उसकी कॉस्टिंग भी उसी तरह से होगी, बट ऑन एन एवरेज 15 to 20 या 25 के बैंड के बीच में ये आपको मिल जाएगा। अब आइए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्ट्रिंग साइजिंग। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि हमने इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया है तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है ये मॉड्यूल्स का सिलेक्शन करना और इसका एक स्ट्रिंग बनाना और इसको एक कनेक्शन करना, वो भी हम आपको बताते हैं। बट सबसे पहली बात आती है कि भाई कौन से मॉड्यूल को सेलेक्ट किया जाए और उसका स्ट्रिंग कैसे डिज़ाइन किया जाए कि इसके MPPT रेंज के अंदर आ सके। तो आज की डेट में आपको मार्केट में मोनो मिल जाएगा, मोनो पर्क सेल मिल जाएंगे, कट सेल मिल जाएंगे और आज की डेट में तो बाईफेशियल्स की भी बात हो रही है। फिलहाल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मल्टी क्रिस्टलाइन सेल्स हैं और यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा कि भाई EVO के अपने सोलर मॉड्यूल्स भी आते हैं, यानी कि EVO के इन्वर्टर्स भी आते हैं और EVO के सोलर मॉड्यूल्स भी आते हैं। और अगर हम पूरे सिस्टम की कॉस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 60-70% कॉस्ट इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स का होता है और जितने भी वारंटीज गारंटीज होती हैं वो इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स पे होती हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है कि भाई अगर आप सिंगल ब्रांड के साथ जाते हैं तो आपको सर्विस या कहते हैं कि भाई आफ्टर सेल सर्विस में ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि इन्वर्टर्स के लिए अलग से इन्वर्टर वालों के पीछे पड़ो, मॉड्यूल्स के लिए मॉड्यूल्स वालों के पीछे अलग से पड़ो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सिंगल ब्रांड
के ऊपर जाते हैं। तो ईवो के इन्वर्टर्स भी हैं और मॉड्यूल्स भी हैं, और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने उनके कुछ लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। अब फिलहाल चूंकि हम इस वीडियो में एक 2 किलोवाट के सिस्टम की साइजिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एक मोनो पार्क वाले मॉड्यूल लेते हैं जो कि आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो इस इन्वर्टर के बारे में बताना था, क्या कि आज की डेट में जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं या कई इन्वर्टर्स में डीसी साइड ओवरलोडिंग की भी बात होती है। अब ये डीसी साइड ओवरलोडिंग मतलब कि आप डीसी साइड में उतने मॉड्यूल्स ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आज की डेट में आपको 20% ओवरलोडिंग, 30% ओवरलोडिंग या फिर कह दें मैक्सिमम 40% ओवरलोडिंग के साथ भी ये इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप उतने ज़्यादा मॉड्यूल्स लगा सकते हैं और आपको आउटपुट अच्छी तरह मिलेगा। अच्छी तरह इसलिए ज़रा वो भी समझ लीजिए, क्या है कि भाई जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं जो उनके ऊपर रेटिंग लिखी रहती है कि भाई 400-450 वॉट, तो ये सब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में होते हैं। अब आपको ही मालूम है कि भाई स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस तो हमेशा रहने नहीं वाली है, तो वहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा वो एक्चुअल इन्वायरमेंट या एक्चुअल टर्म्स कंडीशन के हिसाब से मिलेगा। तो जो भी 450 लिखा हुआ है तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि भाई वो हमेशा 450 ही देगा। तो यहाँ पे जब सिस्टम साइजिंग डिजाइनिंग की जाती है तो उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि भाई 20-30% जो है कम ही मिलेगा। अब भले ही वो सोलिंग लॉस के कारण हो या ट्रांसमिशन लॉस के कारण हो या इन्वर्टर एफिशिएंसी या फिर बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसकी एफिशिएंसी के कारण हो, बट मोटा मोटी ऑन एन एवरेज एक सिस्टम की साइजिंग डिजाइनिंग में ये देखा गया है कि भाई 20-30% उसका आउटपुट कम ही मिलता है। तो इसीलिए आज की डेट में देखा गया है कि भाई डीसी साइड ओवरलोडिंग भी की जाती है, कुछ कुछ केस में 20%, कुछ कुछ केस में 30%। और ये वाला जो ईवो का इन्वर्टर देख रहे हैं आप, इसमें 30% तक ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब आइए मुद्दे पे आ जाते हैं, अब स्ट्रिंग डिजाइनिंग भी कर लेते हैं। अब चूंकि मैंने बोला कि भाई इसके ऊपर 30% ओवरलोडिंग कर सकते हैं, तो 2000 का 30% हो गया 600, तो हम 2600 वॉट पिक के मॉड्यूल लगाएंगे। अब 2600 वॉट पिक के मॉड्यूल लगाने से पहले आप वो मॉड्यूल की टेक्निकल डेटा शीट ज़रूर देखिएगा। हर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर अपने मॉड्यूल का एक टेक्निकल डेटा शीट देता है जिसके अंदर उस मॉड्यूल के पूरे पैरामीटर्स दिए रहते हैं कि भाई VOC कितना होगा, VMP कितना होगा, करंट कितना होगा, ISC कितना होगा, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। साथ में उसमें मैकेनिकल डेटा भी होता है कि भाई ये इसके डायमेंशंस क्या होंगे, होल्स कहाँ हैं और आपको इसको कैसे माउंट करना है। साथ ही में उनका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और उस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशंस भी होती है। आज की डेट में सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर BIS सर्टिफिकेशन भी लागू हो चुका है, और साथ ही में ALMM की बात हो रही है। ALLM मतलब कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। आप MNRE की वेबसाइट पे जाके ALLM लिस्ट को रेफर कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कितने लोग इसमें रजिस्टर्ड है। फिलहाल यहाँ पे हमें चूंकि स्ट्रिंग डिज़ाइन करना है तो आपको ये टेक्निकल डेटा शीट रेफर करना है, और यहाँ पे आपको VOC देखना है और करंट देखना है यानी कि MPS देखना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे सिस्टम डिजाइनिंग कर रहे हैं विद 30% ओवरलोडिंग यानी कि 2600 वॉट्स का मॉड्यूल लेना है, और हम यहाँ पे मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहे हैं 430 वॉट पिक का, तो हम 2600 को डिवाइड करेंगे 430 से, तो हमें रिजल्ट मिलता है 6.04। अब 0.04 का तो मॉड्यूल आएगा नहीं, तो मोटा मोटी समझ लें कि भाई हमें 6 मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। अगर हम 6 × 430 भी करते हैं तो वो हो जाता है 2580। तो हमें चाहिए कितना, 2600। हमें जो मॉड्यूल है हमारे पास जो अवेलेबल है उसका जो 6 मॉड्यूल्स का स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसका आउटपुट हो जाएगा 2580, तो ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। अब क्या करना है, उस टेक्निकल डेटा शीट में वहाँ पे उसका VOC भी लिखा है, तो 430 वॉट पिक का जो मॉड्यूल है उसका VOC है 45.88, ठीक है। अब इसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो 45.88 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाता है 275.28, तो 275.28 इस स्ट्रिंग का आउटपुट हो जाएगा। और जैसा कि हमने इन्वर्टर के टाइम में बताया था कि भाई हमें MPPT का रेंज देखना है, दैट इज़ 50 to 500, तो ये 50 to 500 के बीच में या उसकी रेंज में ये 275 मैच कर रहा है। तो आप ये 6 मॉड्यूल्स का सीरीज कनेक्शन करेंगे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव करते करते आखिर में आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, तो ये जो 6 का सीरीज बनेगा वो इस MPPT रेंज में कंपैटिबल होगा या फिर कह दे भाई इस इन्वर्टर के लिए कंपैटिबल होगा। अब ये जो 6 मॉड्यूल्स हैं आपको आपके घर पे ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको क्लियर सनशाइन कम से कम भी 5 से 6 घंटा मिलती हो, मतलब कि साउथ डायरेक्शन। साथ ही में आपको अपने शहर के लैटिट्यूड को मैच करके उसका एंगल भी बनाना है। अब ये 6 मॉड्यूल्स आप सीधे लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर कह दे भाई 2, 2, 2 का ग्रुपिंग करके आप जैसा आपके उधर जगह अवेलेबल है आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। हाँ, बट इतना ध्यान रखिएगा कि भाई जो भी जगह आप सेलेक्ट करें वो अप्रोचेबल होना चाहिए। क्या है कि भाई कल को इसका मेंटेनेंस भी होता है, मतलब कि इन मॉड्यूल्स को साफ सफाई भी करनी होती है,
तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अप्रोच होके इनको साफ भी कर पाएँ। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ऐसा मत कीजिएगा भाई एक मॉड्यूल इधर, एक मॉड्यूल इधर, एक मॉड्यूल इधर, एक मॉड्यूल इधर। अब उसमें लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें वायर लॉसेस या इतनी ज़्यादा वायरिंग भी बढ़ जाएगी, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। एक जगह पर आपको जहाँ जगह मिले 6 मॉड्यूल्स वहाँ पर लगाइएगा। और वहीं रही करंट की बात, चूँकि हम सब सीरीज़ में लगा रहे हैं तो सीरीज़ में करंट तो ऐड नहीं होता, और जो हमने इन्वर्टर में देखा था वहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है वो 12 एम्प्स है, और जो ये सीरीज़ बनाएंगे इन मॉड्यूल्स का तो उसका जो एम्पीयर्स निकलता है या एक मॉड्यूल का जो एम्पीयर लिखा है वो 10.6 है, तो 10.6 इसके साथ कंपैटिबल है। अब आइए थोड़ा सा इनकी प्राइसिंग भी बता देता हूँ। क्या है कि भाई इनमें भी अलग अलग रेंजेस हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया मोनो, मल्टी, मोनोपर, कट सेल और बाईफेशियल। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट प्राइस रेंज आज की डेट में मार्केट में चल रही है वो 18 रुपये पर वॉट से लेकर 25 रुपये या कह दें 28 रुपये पर वॉट के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ पे DCR नॉन DCR का भी चक्कर होता है, आप वो भी देख लीजिएगा, लेकिन 18 से लेकर 25 या कह दें 28 रुपये पर वॉट के बीच में आपको ये मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। और चूंकि यहाँ पे हमने DC साइड 30% ओवरलोडिंग की बात की है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2600 वॉट पीक, तो उसे आप जो भी मॉड्यूल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए। 18 है तो 18 × 2600, 28 रुपये पर वॉट है तो 28 × 2600 के हिसाब से आपका रेट मिल जाएगा मॉड्यूल का। अब यहाँ पे एक और काम आप कीजिएगा, आपने अभी तक अपने इन्वर्टर की साइजिंग और कॉस्टिंग भी निकाल ली और मॉड्यूल का जो स्ट्रिंग बनाना है उसका भी आपने कॉस्टिंग निकाली है, तो आप इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर 12% GST जोड़ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर आप 12% GST चार्ज कर सकते हैं, और बाकी जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसके ऊपर आपको 18% GST चार्ज करना होगा। फिलहाल वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिलहाल अभी हमने मेजर पोर्शन निकाल लिया है, दैट इज़ इन्वर्टर साइजिंग, इन्वर्टर सेलेक्शन एंड मॉड्यूल साइजिंग, मॉड्यूल का स्ट्रिंग बनाना। अब आप जब अपने स्ट्रिंग का डिज़ाइन कर लेंगे तब आपको कुछ ऐसा मिलेगा। लास्ट स्ट्रिंग में आपको एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, फिर उसे आपको लेके जाना है DC DB बॉक्स में। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे कनेक्ट करेंगे MC4 कनेक्टर्स के थ्रू, ये बहुत ही आसान है, हर जगह आप MC4 कनेक्टर्स ही यूज़ कीजिएगा, कट करके उसको ऐसा मत कीजिएगा, अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका वारंटी नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब कई लोग इसे AGB भी बोलते हैं, एरे जंक्शन बॉक्स, मतलब कि बहुत सारी स्ट्रिंग्स एक साथ आएंगे और उसमें कनेक्ट होंगे और वहाँ से इन्वर्टर में जाएगा, या फिर स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, तो जैसा जो भी है, लेकिन मोटा मोटी ये DC साइड का है तो ये DC DB कहलाता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 1 in 1 out है, तो वैसे बहुत सारे अगर स्ट्रिंग्स होंगे तो 2 in 2 out या 3 in 1 out या 2 out ऐसा कॉम्बिनेशन भी आता है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे फ्रेंड यानी कि सुराना सोलर सॉल्यूशंस, जिनका नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने हमें ये DC DB और AC DB दिया आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई सुराना सोलर सॉल्यूशंस कस्टमाइज्ड AC DB, DC DB या फिर कहते हैं कि भाई स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना देते हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे ये चीज़ें या कंपोनेंट्स मंगा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर उनका नंबर है, आप उनसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अब हम को इधर से इधर तक ही पहुंचना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई जितना भी स्ट्रिंग बनेगा वहां से एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो इसके अंदर जाएगा। अब आइए इसके अंदर होता क्या है या होना क्या चाहिए वो भी ज़रा बता देता हूं। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है, तो इससे कि आपको दिख जाए कि अंदर क्या हालचाल है या क्या चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो जो पॉजिटिव है वो फ्यूज़ के थ्रू होते हुए SPD में जाएगा और SPD से MCB में जाएगा और यहाँ से इसका आउटपुट निकलेगा। आप ये जो दो वायर देख रहे हैं ये बेसिकली अर्थिंग के लिए है, ग्रीन वायर होनी चाहिए, फिलहाल हमारे पास था नहीं तो हमने रेड से ही काम चला लिया। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये यहाँ पे आ गया आपका DC साइड का फ्यूज़, ये फ्यूज़ है, ये आपका यहाँ पे रहता है, फिर उसके बाद आपका SPD है। SPD में आप देखिए यहाँ पे ये अभी ग्रीन दिख रहा है, या जब आप लगाएंगे या जो सिस्टम लगाने जाएगा तो वो आपको दिख जाएगा कि ये ग्रीन है SPD। SPD मतलब सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, और जो भी वोल्टेज साइड से ऊपर नीचे होगा या जो फ्लक्चुएशन होगा वो ये संभाल लेगा। उसके बाद आ जाता है MCB, जो भी करंट की साइड से अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो आपका MCB संभालेगा, और ये DC DB के अंदर कुछ ऐसे कारोबार आपको दिखेगा। तो यहाँ से भी आपको एक निकलेगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जाएगा आपका इन्वर्टर की तरफ। और ये जो अर्थिंग की ये दो वायरें देख रहे हैं, एक वायर चली जाएगी आपके इस सिस्टम के मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर तरफ
और एक चली जाएगी आपके नीचे, यानी कि अर्थ में आपका ये चला जाएगा। तो ये डीसी साइड की अर्थिंग है, और ये जितना भी आपको बता रहा हूँ ये सब डीसी साइड प्रोटेक्शन के लिए है। कई लोग ये भी आपको बोलेंगे कि भाई डीसी डीबी की ज़रूरत नहीं होती है या इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि भाई क्या है कि भाई प्रोटेक्शंस तो ज़रूरी है। अगर कल को कुछ भी इन्वर्टर को हो जाएगा, वो इन्वर्टर वाला सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि भाई आपने प्रोटेक्शंस लगाए थे कि नहीं, मतलब कि वो आपसे ये पूछेगा कि भाई डीसी डीबी था या एसी डीबी था या नहीं। तो आप पहले इन्वर्टर के मैनुअल में ये देख लीजिएगा कि क्या वो विदाउट प्रोटेक्शंस लगा सकते हैं। ये एक क्लॉज होता है जिससे आपका वारंटी नल एंड वॉइड भी हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, विदाउट प्रोटेक्शंस आप लगाएंगे तो शायद आपको वारंटी ना मिले। तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि भाई डीसी साइड के लिए डीसी साइड का प्रोटेक्शन होना चाहिए, एसी साइड के लिए एसी साइड का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और हाँ, यहाँ तक आने से पहले एक पॉइंट मैं भूल गया, दैट इज़ जो आपने स्ट्रिंग बनाया उसका स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कई लोगों के मन में होता है कि भाई ये क्या काम है, ये तो एक वेल्डर का काम है, वो उसको बता दो वो ऐसा बना देगा। तो दोस्तों नो डाउट वही लोग इसको काम करेंगे, बट मेटल्स तो आपको बताने पड़ेंगे। इट्स नॉट MS, अगर आप सही में इस सिस्टम का परफॉर्मेंस 25 साल तक चाहते हैं तो आपको हॉट डिप गैल्वेनाइज के ऊपर जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे राउंड सेक्शन और स्क्वायर सेक्शंस को आप अवॉइड ही कीजिएगा। सी सेक्शंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं स्पेशली इन सोलर सिस्टम्स के लिए, आप उन्हीं को लीजिए। अब यहाँ पे आपको अलग अलग डायमेंशंस के सेक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि 40 mm का, 70 mm का और 80 mm का। तो ये सेक्शंस में आपको मेटल मिल जाएगा। और वहीं अगर इसकी गैल्वेनाइजिंग की बात करें तो MNRE ने जो रिकमेंड कर रखा है, इट शुड बी मोर देन 180 microns, ये MNRE ने रिकमेंड कर रखा है। और जो प्रेशर विस्टैंडिंग कैपेसिटी इन स्ट्रक्चर्स की होनी, वो 180 km/h की विंड स्पीड को विस्टैंड करने की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी हवा आए और आपका स्ट्रक्चर ही या फिर कहें मॉड्यूल ही उखड़ के हाथ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 3 रुपये/W के हिसाब से आ जाना चाहिए। और चूंकि हम यहाँ पे 2600 watt peak के मॉड्यूल लगा रहे हैं, यानी कि 6 मॉड्यूल लगा रहे हैं, तो आप 2600 × 2 रुपये या फिर 3 रुपये, जो आप ये स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप उसका कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे कई लोगों की रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि भाई हमें हाई राइज स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब कि 7 feet 8 feet ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना के दो। तो ये जो 2 रुपये 3 रुपये वो आपको बताया, वो 300 mm के क्लियरेंस वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो, यानी कि RCC रूफ के ऊपर जो होते हैं। और वहीं अगर हम मेटल शीट के ऊपर बात करें तो जहाँ पे डायरेक्टली मेटल के ऊपर आप इस मॉड्यूल्स को माउंट कर देते हैं विथ ए मिनिमम गैप ऑफ 100 mm, तो वहाँ पे जनरली देखा गया है कि वहाँ पे एल्युमिनियम के सेक्शंस इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम ऐसे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप पकड़ लीजिए कि भाई 1 से लेकर 1.5 रुपये/W के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी। और वहीं अगर आप हाई राइज वाली बात करेंगे तो चूंकि हाई राइज होगा तो मेटल की साइजिंग भी बढ़ेगी और उस हिसाब से उसका डायमेंशन भी चेंज होगा, वजन भी बढ़ेगा। तो वहाँ पे आप पकड़ लीजिए 8 रुपये से लेकर 12 रुपये/W के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग बैठ जानी चाहिए। अब हम बैक टू DCDB आ जाते हैं। तो ये DCDB आपने समझ लिया इसके अंदर क्या है, एक फ्यूज़ है, एक SPD है, एक आपका MCB है। तो ये आपका वोल्टेज का ध्यान रख रहा है, ये आपका करंट का ध्यान रख रहा है। तो यहाँ से आपका जो भी है अभी तक सब DC साइड का हिसाब किताब है। तो ये जितनी भी वायरिंग आप देख रहे हैं ये DC वायरिंग होनी चाहिए, ये स्पेशल वायरिंग होती है। ऐसा नहीं कि मतलब कि AC वायर इधर लगा दिया और काम चला दिया, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। DC साइड को प्रॉपर DC वायरिंग ही लगाइएगा। इसमें आपको 4 square mm भी मिल जाएगा, 6 square mm भी मिल जाएगा, 10 square mm भी मिल जाएगा। तो जितनी कैपेसिटी है, जैसा डिज़ाइन है, उस हिसाब से आप इसे लगाइएगा। अब यहाँ तक आप समझ लीजिए, स्ट्रिंग से आपका DCDB में आ गया और DCDB से ये जाएगा इन्वर्टर में। तो यहाँ पे भी मेल फीमेल है, तो मेल में मेल जाएगा, फीमेल में फीमेल जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जब भी आप इसका कनेक्शन करें तो ये DC स्विच ऑफ हो। क्या है कि भाई DC साइड में कनेक्शन करते वक्त कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे वोल्टेज लेवल भी बहुत तगड़ा होता है, इट्स नॉट नॉर्मल AC की तरह। ऐसा भी हो सकता है शायद अगर DC साइड से अगर आपको कोई झटका लगेगा तो वो शायद आपका आखिरी झटका भी हो सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिकल में वीक हैं या AC साइड और DC साइड की वायरिंग या नहीं समझते या नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ मत कीजिएगा। जो भी इसमें वेल क्वालिफाइड हो प्रॉपर सेफ्टी और प्रोटेक्शन के साथ ही आप ये DC साइड को हैंडल कीजिए और इसी तरह AC साइड को भी हैंडल कीजिए। ऐसा ना हो कि भाई वो झटका आपका आखिरी झटका हो जाए। तो अब यहाँ से आपने इसको DC साइड इन कर दिया और जैसा कि हमें मालूम है कि भाई ये इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, ये DC को AC करेगा और ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करेगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल करेगा। तो यहाँ से जो भी अब निकलेगा वो AC निकलेगा। अब यहाँ पे चूंकि ये सिंगल फेज इन्वर्टर है तो आपको एक गर्म मिलेगा, एक ठंडा मिलेगा और एक अर्थिंग वाला।
या कह दें न्यूट्रल मिलेगा। और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका अर्थिंग वाली साइड हो गई। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल और ये अर्थिंग वाली लाइन यहाँ की अर्थिंग में जाएगा, ये एसी साइड की अर्थिंग है और ये अर्थिंग की लाइन ये जाएगा आपके अर्थ में। तो ये एसी साइड की अर्थिंग होगी, तो ये एसी साइड से प्रोटेक्शन के लिए है। तो एसी साइड से कुछ भी झटके लगेंगे, भले ही वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो या करंट में झटके हो, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक एमसीबी है और एक एसपीडी है और ये दोनों एसी साइड के हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अभी ये एसपीडी ग्रीन दिख रहा है, अगर ये रेड हो गया तो मतलब कि समझिए वो उसका खेल ख़त्म। यहाँ पे अप एंड डाउन करने का कोई हिसाब नहीं होता, अगर वो रेड हो गया तो आपको उसको स्ट्रेट वे चेंज ही कराना होता है। और रही इन ये एसीडीबी और डीसीडीबी के कॉस्टिंग की बात, तो वो कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि भाई आपने उसमें कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल किया है, किस मेक का कंपोनेंट किया है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ें तो ये कुछ 3,500-4,000 के बीच में आ जाना चाहिए। और ये भी एसीडीबी बॉक्स भी आपका 2,500 से लेकर 3,500 के बीच में आ जाना चाहिए। और वहीं रही बात ये वायरिंग की, क्योंकि यहाँ तक जो भी था वो डीसी साइड वायरिंग है, तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज़ पर मीटर। क्या है कि भाई जितने मीटर आपका लगेगा उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग निकल जाएगी। और चूंकि यहाँ पे एसी साइड की वायरिंग है तो यहाँ पे एसी साइड की वायरिंग का कॉस्ट भी आप पकड़ लीजिए कुछ 60 रुपीज़ पर मीटर, पूरा केसिंग वेसिंग पट्टी वट्टी के साथ बैट बिठा के 60 रुपये में पर मीटर के हिसाब से बैठ जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 इन्वर्टर 3 इन्वर्टर, चूंकि स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं तो 2 इन 1 आउट या 3 इन 1 आउट ऐसे भी आते हैं। जैसा कस्टमाइज होगा या आपको कस्टमाइजेशन कराना है तो आप ये सुराना सोलर सॉल्यूशन से जो उनका नंबर है उसके ऊपर कॉल करके उनसे कस्टमाइज्ड एसीडीबी बॉक्स या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसीडीबी बॉक्स बनवा के उनसे ले सकते हैं। अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा आपका जनरेशन मीटर पे। अब ये जनरेशन मीटर बेसिकली करके रहा है कि भाई जो भी आपका सिस्टम जनरेट कर रहा है उसे वो रीड कर रहा है। इट्स ए यूनिडायरेक्शन मीटर, जो भी जा रहा है उसे ही नोट कर पाएगा, वहाँ से आने वाला हिसाब किताब नहीं होता। तो कई जगहों पर देखा गया कि आपके जो पुराने जो मीटर्स होते हैं उसे ही कई डिस्कॉम वाले उसे जनरेशन मीटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं तो आपको वो बोलेंगे कि भाई हमको एक नया जनरेशन मीटर लगाना है, तो आपको उसका भी पैसा देना होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जनरेशन मीटर आपको 1,500 से 2,000 के बीच में आ जाएगा और उसका एक कैलिब्रेशन कॉस्ट भी होगा। अब चूंकि ये सिस्टम ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें देना भी होता है, वहाँ पे हमें लेना भी होता है। अब ये देने लेने का हिसाब किताब कौन रखेगा? वो रखेगा ये बाई डायरेक्शनल मीटर। जी हाँ दोस्तों, ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है जहाँ पे देने का हिसाब भी होता है, लेने का हिसाब भी होता है और जितना भी नेट ऑफ होता है उसके हिसाब से आपको बिजली का बिल आता है, तो इसे नेट मीटर भी कहा जाता है। फिलहाल इसके ऊपर नेट मीटर की पॉलिसी हर स्टेट की अपने अपने हिसाब से है, आप अपने स्टेट की डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाके अपने स्टेट की नेट मीटरिंग की पॉलिसी पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि भाई यहाँ से जनरेशन मीटर के बाद आपका जो आउटपुट है वो एलटी पैनल में जाता है, यानी कि आपके घर का जो एलटी पैनल है या लोड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है उसके अंदर जाता है, जिससे कि ये जो सिस्टम जनरेट कर रहा है सबसे पहले वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। उसके बाद एक सिचुएशन ये आ सकती है कि भाई आपका लोड ज़्यादा हो, जनरेशन कम हो, तो ये सिस्टम ग्रिड से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट कम है और जनरेशन ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद जो भी ज़्यादा होगा वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर देगा, यानी कि वो दे देगा। तो ये देने लेने का हिसाब किताब, ये जो रीडिंग होती है वो ये नेट मीटर ही करता है। अब इसकी भी एक कीमत होती है और इसका कैलिब्रेशन कॉस्ट भी होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो भी पकड़ लीजिए 4,000 से 5,000 रुपये के बीच में उसका कॉस्ट होता है और 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में, या फिर आपके डिस्कॉम में जो चल रहा है आप उसको उतना पे करना होता है। और ये सब जितने भी कंपोनेंट्स बाकी जो मैंने बताए, यानी कि आपका स्ट्रक्चर, डीसीडीबी, एसीडीबी, वायरिंग, ये सब जितने भी पार्ट्स हैं, मीटर वीटर और कैलिब्रेशन कॉस्ट, ये सबको आप ऐड कीजिए और उसके ऊपर आप 18% GST ऐड कर दीजिए, तो इन कंपोनेंट्स के ऊपर आपका GST होगा 18%। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया था, डीसी साइड की अर्थिंग, एसी साइड की अर्थिंग और उसके साथ एक LA भी होता है, दैट इज़ लाइटिंग अरेस्टर, तो उसका भी अप्रॉक्सीमेट आप कीमत पकड़ लीजिए, क्योंकि वो भी एक कंपोनेंट है और वो भी ज़रूरी कंपोनेंट है, तो अप्रॉक्सीमेट उसकी कीमत 10,000 से लेकर 12,000 या मैक्सिमम 15,000 तक होगी। क्या है कि वहाँ पे भी जो अर्थिंग पट्टी है वो मीटर्स के हिसाब से होती है, मतलब कि कितना लंबा वायर खींच रहे हो या कितनी लंबी पट्टी है, तो उस हिसाब से उसकी भी कॉस्ट होगी। बट अंदाजन 10-15 हज़ार के बीच में आपका अर्थिंग और LA का हिसाब किताब बैठ जाना चाहिए। अब वहीं चूंकि इस सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो आपको एक इंस्टॉलर भी लगेगा, एक क्वालिफाइड इंस्टॉलर देखिएगा जो प्रॉपर सेफ्टी
और प्रॉपर टूल्स के साथ आपके घर पे ये सिस्टम लगा पाए। तो इंस्टॉलेशन का भी कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिए कि भाई अप्रोक्सीमेटली 3 रुपये से लेकर 4 रुपये पर वॉट के हिसाब से वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट चार्ज करेगा या इतना कॉस्ट आपको लगेगा। तो चूंकि यहाँ पे हम 2600 वॉट पीक के मॉड्यूल्स लगा रहे हैं तो आपको 2600 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लीजिए, ये आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगा। और वहीं रही बात कि भाई इस सिस्टम को लाने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार रुपये या फिर जो आपके उधर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़े वो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। तो जितना भी कॉस्ट मैंने आपको बताया, आपका इन्वर्टर का कॉस्ट, मॉड्यूल का कॉस्ट, ACDB, DCDB, LA, अर्थिंग, जनरेशन मीटर, उसका कैलिब्रेशन कॉस्ट, इन सब को ऐड कीजिए, आपका सिस्टम का कॉस्ट आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आपने अभी तक जितना भी मैंने बताया उसको नोट डाउन किया होगा और आपका कॉस्ट आपके सामने आ रहा होगा। और अंदाजन बता दूं कि भाई एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आपको 60 से लेकर 70 या मैक्सिमम 80,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से बैठ जाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, चूंकि ये सिस्टम आप किसी से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वहाँ पे मार्जिन्स भी होंगे, तो आप मार्जिन्स भी ऐड करिएगा अपने पूरे सिस्टम की कॉस्टिंग निकालते वक्त। अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लीजिए कि भाई 18-20 या मैक्सिमम 25% तक आप मार्जिन्स उसमें लोड ज़रूर कीजिएगा, तब आपके सामने एक रियल फिगर या कह दें कि भाई प्रॉपर फिगर निकल के आएगी। अब आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट या 50 किलोवाट के सिस्टम साइजिंग के लिए आपको हम एक सोल्यूशन भी देंगे, तो वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, बड़े सिस्टम्स में क्या होता है कि भाई कई चीज़ें देखनी होती है कि भाई वायर साइजिंग क्या होनी चाहिए, SPD क्या साइज़ का रहेगा या MCB कौन से साइज़ का रहेगा, और चूंकि वो बड़े साइज़ के सिस्टम है तो 3-फेज कनेक्शंस होंगे, तो क्या उसे हम DG के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, क्या उसमें हाइब्रिड लगा सकते हैं, तो ये सब ध्यान में रख के आपको सिस्टम साइजिंग और डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है और आप में से भी कई लोग नए होंगे, तो आप लोगों की सुविधा के लिए ईवो वाले इसमें एक आपको सपोर्ट देने के लिए राज़ी हैं। आपको बस करना क्या है कि इस गूगल फॉर्म में अपना नाम, एड्रेस और सिस्टम साइज लिख के भेज देना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आपको बस उस गूगल फॉर्म में अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपने सिस्टम की साइजिंग लिख के भेज देनी है। इतना भेजने के बाद ईवो की टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आपको उस सिस्टम की साइजिंग डिजाइनिंग के ऊपर आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी चाहिए कि भाई इन सबसे रिलेटेड कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी होती है कि भाई ACDB में क्या क्या देखने होता है, DCDB में क्या क्या देखना होता है, वायर साइजिंग कैसे करनी होती है, LA अर्थिंग। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भाई ईवो का अपना खुद का एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जहाँ पे उन्होंने पूरे ये टेक्निकल वीडियोज़ डाल रखे हैं कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये ऐसा कैसा, ये क्यों और ये किधर। तो अगर आप सही में अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उनके प्रोडक्ट्स और इन टेक्निकल वीडियोस को भी देख सकते हैं। आखिर में एक और क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि भाई ये सब के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भाई क्या इस सिस्टम को लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी भी मिलती है। तो दोस्तों, सब्सिडी के ऊपर तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बट मेरा तो यही कहना होगा कि भाई, या मैं यही कह सकता हूँ कि भाई इन सब्सिडी यू डोंट हैव ए चॉइस। तो ये आपकी मर्जी है कि भाई आप टेक्नोलॉजी की तरफ या बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस सिस्टम को लगवाना चाहते हैं या फिर सब्सिडी का इंतजार करना चाहते हैं। फिलहाल चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। और हाँ दोस्तों, इसी तरीके के सोलर से रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं और वीडियोस भी आपकी डिमांड के हिसाब से होता है। आप जो डिमांड करेंगे हम वही वीडियो लाएंगे। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।